नए साल के जश्न के दौरान बेंगलुरु में लड़कियों के साथ हुई छेड़छाड़ की घटना से एक बार फिर महिलाओं की सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर सवाल उठ गए हैं। छेड़छाड़ की घटना का वीडियो फुटेज सामने आया है। एक में तो दो हुड़दंगियों ने लड़कियों के साथ इस तरीके से व्यवहार किया जिसे देखकर विश्वास ही नहीं होगा कि आप ऐसे समाज में रहते हैं, तो वहीं दूसरी वीडियो में दो लड़के एक लड़की के साथ छेड़खानी करते हुए दिख रहे हैं। अभिनेता आमिर खान ने लड़कियों के साथ होने वाली ऐसी छेड़छाड़ के पीछे खराब सोच और विचार के लड़कों के साथ साथ देश के कानून और सिस्टम का हाथ बताया है। आमिर खान के मुताबिक देश का कमजोर सिस्टम और कानून ऐसे लड़कों को प्रोत्साहित करता है क्योंकि उन्हें ऐसे गुनाह से कोई डर नहीं लगता। देखिए, जो बेंगलोर में वो बड़ी दुख की बात है और इससे हम सबको बड़ा दुख होता है, हमको शर्म लगती है कि ऐसा हमारे देश में कभी होता है। और यकीनन हमें और सरकार को, हर राज्य की सरकार को इसके लिए कदम उठाने हैं और ये कंटिन्यूस कोशिश है। मुझे लगता नहीं कि किसी का इसका कोई एक हल है। और अगर हम महिलाओं की बात करें तो मेरे मन में दो तीन जो विचार हैं जो हमने हमारे शो पे भी रखे थे वो यही है कि जब लॉ एंड ऑर्डर बहुत सख्त हो जाएगा और जुडिशरी बहुत जल्दी काम करेगा। आप देखिए, अमेरिका में आप देखिए तो अगर ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो विद इन 2-3 मंथ्स गिल्टी आदमी को वो केस खत्म होके उसको सजा भी मिल जाती है। जब ये इसमें बदलाव आएगा ना, तब मुझे लगता है एक बड़ा बदलाव आएगा। आज के डेट में जो लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, गलत काम करते हैं, उनको ये मन में है कि हमारे साथ कुछ खास होने वाला नहीं है। जब हमको ऐसे एग्जाम्पल सामने आएंगे कि विद इन 2-3 मंथ्स जिस आदमी ने भी ऐसा किया है, जिस व्यक्ति ने ऐसा किया है, वो बिहाइंड बार से उसको लंबी सजा मिली है और कंटिन्यूसली हम ये देखते आएंगे, तब ये परिस्थिति बदलेगी। मुझे लगता है लोगों में डर पैदा होगा। ये मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और हम, जहाँ तक लेडीज़ का सवाल है, मुझे लगता है हम जो जिस विषय पर हम काम कर रहे हैं, पानी का विषय, उससे एक अलग तरीके से महिलाओं को बहुत, इनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं हमारे फिल्मों के जरिए, हमारे शो के जरिए, कि हम लोगों में सेंसिटिविटी बढ़ाएं इन सब विषयों को लेकर।